हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत जी हों। चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने होंगे, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आती है जेन और बोलती है मन, क्या वह बोलो भी। तो यहाँ पे बोलती है कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ज़्यादा तुम अपना दिमाग कम लगा। एंड इधर वो चैटिंग पे बात कर रही होती है, बोलती है क्या कर रहे हो लू से। लू बोलता है कल रात बहुत ज़्यादा हेवी डिनर कर लिया था, जिसके वजह से मुझे पॉटी हो रही है। और यहाँ पे जेन हंस रही होती है तो बोलती है तुम्हें कौन बोला था इतना हेवी डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे बोलता है तुम ही तो खिला रही थी, तुम्हें मना भी नहीं कर सकता था। आता है उसके घर में लू, ये दोनों बात ही कर रही होती है, तभी वहाँ पे डोर पे आवाज़ें आती है और यहाँ पे मनमन और वो रहता है, जो दोनों में एक दूसरे को खोए होते हैं और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। और यहाँ पे दोनों लोग किस पे किस कर रहे होते हैं। जेन लू को सोफे के पीछे छिपा देती है और खुद भी छिप जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहे होते हैं और देखते देखते वो दोनों रूम में चले जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं, फाइनली वो दोनों चले गए और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों को बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील हो रहा था क्योंकि इन दोनों का वैसा लव नहीं था। और यहाँ पे उसके बाद वो उसे किस कर लेता है लू। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वो बोलता है वन सेकंड मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ बोलूँ। तो यहाँ पे बोलती है मन, हाँ बोलो क्या बात है। तो एक्चुअली आई वांट टू मैरी यू। ये सुन के वो उसको चेक करती है, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया। मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों रिलेशनशिप में, इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों शादी करें, ठीक है ना। ये बात बोल के उसका मूड ऑफ हो जाता है। कहती है कि तुम अभी इससे वक्त यहाँ से निकलो, और अभी से इससे वक्त हम दोनों का ब्रेकअप होता है। वो उसे घर से निकाल देती है। और इधर मॉर्निंग वो एक्सरसाइज कर रही होती है, तो यहाँ पे बोलती है जिन क्या हुआ तुम्हारे मूड को, हाँ क्यों तुमने उसे इस तरीके से बोला। तो कहती है प्लीज़ तुम चुप रहो, मुझसे बात मत करो। बोलती है ठीक है, तुम्हें जो दिल आता है तुम वो करो। अभी एक दिन बुलाती है रात को लू को अपने घर पे, और यहाँ पे लू को बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो जेन बोलती है कि बहुत दिन से मैं सोच रही थी, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ क्लियर कर दूँ। एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो कि अब नहीं है, और इस वजह से तुमने पूछा था कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, तो तुम बाकियों में से बहुत अलग हो। तुम मेरी बहुत केयर करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, जिसकी वजह से उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि मुझे उसका टच करना पसंद नहीं था। तो यहाँ पे वो उसे समझाता है, कोई बात नहीं, वो पास था, उसे छोड़ो, अब आगे की ज़िंदगी हम लोगों को गुजारनी है, तो उसके बारे में हम लोग अच्छा अच्छा सोचते हैं। और वो उसे सुला देता है। और वो मॉर्निंग में उठती है तो कहती है ओ मेरा स्वीटनेस, एक टेरी को लेके मैं कितने हैप्पी हूँ कि मुझे लू जैसा लाइफ पार्टनर मिला। काफ़ी खुश हो रही होती है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीन में कि यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं, मनमन और वो। यहाँ पे वो की मॉम आती है और यहाँ पे वो डिनर करने के लिए बुलवाती है, इनवाइट करती है। तो यहाँ पे बोलती है कि आंटी आप ये लीजिए ना, बहुत थक गई होंगी ना, तो आप ये ट्राई करिए, मैंने बनाया। तो यहाँ पे उसकी मॉम बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं कर रही होती है मनमन को। तो यहाँ पे मनमन रोक देती है अबू को कि कुछ मत बोलो, क्योंकि वैसे ही दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, उन्होंने एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकती थी। ये बात अच्छे से रियलाइज़ कर ली थी मनमन ने, और उसको बहुत ज़्यादा अपनी गलती का पछतावा था कि उसे अबू को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। कब तक इस तरीके से टाइम पास करेंगे, जब अगला इंसान उसे इतना ट्रू लव कर रहा है तो मैं उसके साथ क्यों नहीं हूँ। तो ये उस चीज़ को रियलाइज़ करके उसे एक्सेप्ट की थी बहुत ही प्यार से, और उसकी वजह से उसकी मॉम को वो एक्सेप्ट कर रही थी। कहती है कोई बात नहीं, वो बड़ी है, उनका हक है जो बोले। यहाँ पे बोलती है मनमन आंटी आपका हक बनता है कि आप मुझे डांटें गलती पे, जो भी आप बोल सकती हैं, बट वो से मैं बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। और इधर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आता है लू, एक आदमी बैठा होता है, वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं, कई घंटे बीत जाते हैं। तभी यहाँ पे वो इंसान उठता है, बोलता है प्लीज़ मेरी बेटी का केयर करना। यहाँ पे वो इंसान जेन के फादर होते हैं और यहाँ पे बोलता है प्लीज़ मेरी बेटी का केयर करना,
आपको पता है ना कि मेरा और मेरी वाइफ का डिवोर्स हो गया है, जो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो, और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा होता है। यहाँ पे घर आके बताता है लो कि तुम्हारे फादर से मिले थे, प्लीज़ एक बार तुम उनसे मिल लो, एक बार उनसे बात कर लो। तो वो जाती है अपने फादर से बात करने के लिए। उसके फादर कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी आने वाली लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगी, और तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, मैं उससे मिला हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। एंड वो आती है लू के पास, वो जैसे देखते वो काफ़ी शर्मा जाती है। तो यहाँ पे लू बोलता है अचानक तुम्हें क्या हो गया, इस तरीके से तुम क्यों बिहेव कर रही हो। तो यहाँ पे बोलती है अरे कुछ नहीं, वो उससे धक्का धुक्की दे के दोनों लोग आगे चले जा रहे होते हैं। और यहाँ पे वो ने प्रपोज कर दिया था उसे एंगेजमेंट रिंग दे के मन को, दोनों प्यारा सा एक हग करते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं आई एम सो सॉरी, मैं नहीं समझ रही, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। एंड वो आती है जेन के पास, जेन अपनी बुक पढ़ रही होती है, तो बोलती है मैं कुछ दिनों के लिए एब्रॉड जा रही हूँ अपने बू के साथ। तो कहती है ओह माय गॉड, कहती है ओह वाओ रिंग, क्या ये डायमंड रिंग है, उसे तो प्रपोज कर दिया ओह। कहती है हाँ ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। दोनों लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, ये भी सोच रही होती है जेन काश मेरे साथ भी ऐसा कुछ मैजिक हो जाता। उसके बाद यहाँ पे वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। उसके बाद बोलता है चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ, वो उसे गाड़ी पे बैठा के एक जगह लेके जा रहा होता है। तो यहाँ पे बोलती है जेन की मैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो बोलता है ओफो चलो ना बहुत क्वेश्चन करती है तुम। उसके बाद वो फ़ोन से बोलता है सब कुछ रेडी है स्टार्ट करें। एंड देखते ही देखते बहुत सारे आसमान पे कलरफुल बैलून सब उड़ने लगते हैं, और ये देख के काफ़ी एक्साइटेड हो रही होती है जेन, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वहाँ पे बहुत बड़ा सा आ जाता है यू मैरी मी, और ये देख के जेन की आंखों में आंसू आ जाता है। इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था किस तरीके से वो उसे प्रपोज करेगा शादी के लिए इतनी ग्रैंड से। यहाँ पे बोलता है कि ये तुम्हें कैसा लगा, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम इस तरीके से मेरी लाइफ में आओगे बाय एक्सीडेंट, ये सडनली ये सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे वो रिंग निकालता है, वो अपने घुटनों के तले बैठ कर उसे प्रपोज करता है, कहता है क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, और उसे वो रिंग पहनाता है और उसके हाथ में प्यारा से किस करता है। दोनों लोग एक दूसरे को हग कर लेते हैं, और इधर देखने को मिलेगा कि वेडिंग ड्रेस पहनी होती है, और यहाँ पे बोलती है लू, और लू उसे देखता है, दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। ये एपिसोड यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप ये सारी एपिसोड आप सबको पसंद आई। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।